फ्रेंड्स अगेन, देखिए मैं पिछली वीडियो मैंने आपसे स्किल की बात की थी। कुछ क्रिकेटर्स के पास में ये स्किल जो है वो नेचुरल होती है, फिटनेस जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो नेचुरल होती है। एजिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ें नेचुरल होती हैं। स्टेमिना संभवतः नेचुरल नहीं होता है, एंड्योरेंस वो संभवतः नेचुरल नहीं होती है, लेकिन स्पीड और एजिलिटी ये नेचुरल हो सकती है आपके पास में। मैं बात करता हूँ आपसे राशिद खान की। कमाल का उन्होंने लास्ट ओवर डाला और बड़े मैच्योर खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया, लाजवाब 7 रन डिफेंड किए उन्होंने। ये क्या है, राशिद खान वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय छाए हुए हैं और कल भी उन्होंने अपनी टीम को जिताकर ये साबित कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया जैसी टीम, इंडिया ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया था, बहुत ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ ने वो उतनी मजबूती नहीं दिखाई, अफसोस है थोड़ा सा यहाँ पर अफसोस है। जिस प्रकार से तेज गति के गेंदबाजों से उम्मीद की जा रही थी कि वो कंट्रोल, वो बॉल, जिस अगर हम मैं अपनी इंडियन टीम से ही कंपैरिजन की बात करता हूँ, इंडियन टीम के अंदर ही कंपैरिजन की बात करता हूँ, जिनको उनको रिप्लेस करना था या कर सकते हैं या करने की सोचते हैं, वो उनकी लाइन, उनका बॉल का स्लाइटली बिहेव, उनका बैट्समैन को रीड करना, फिर बॉलिंग करना, ट्रैक को रीड करना, फिर बॉल डालना, वेरिएशंस दिखाना, वेरिएशंस के अंदर मैच्योरिटी दिखाना, चेंज ऑफ पेस, यूज ऑफ क्रीज, ये बहुत सारी बातें होती हैं जो आप जो है वो दिखा सकते थे, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ उतनी मजबूत नहीं दिखाई दी, ये मानना होगा। अब मैं बात करता हूँ नेचुरल एप्टीट्यूड की, राशिद खान के नेचुरल टैलेंट की। राशिद खान क्या है कि उनको कभी भी कोच नहीं किया गया, आप बिलीव करना मेरी बात का, राशिद खान को किसी भी व्यक्ति ने उन्हें गेंदबाजी सिखाई नहीं है, वो गेंद सिर्फ देखी और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। राशिद खान उनके तो पेरेंट्स क्रिकेट खेलने नहीं देते थे, उनको छुप छुप के क्रिकेट खेलते थे, उनके ब्रदर्स ने उनकी थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन मुख्य तौर पर उस व्यक्ति ने खुद ही अपनी हेल्प की। करेजियस हैं, बहादुर, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऐसा नहीं फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये मतलब है कि आप नेचुरल चीज़ को अल्टर नहीं करें। देख कर मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था विराट कोहली का, उन्होंने कहा कि वो पृथ्वी शॉ की या और कुछ क्रिकेटर्स की नैसर्गिक प्रतिभा को देखकर, नेचुरल टैलेंट को देखकर आश्चर्यचकित है। कोचेस क्या कर रहे हैं, कोचेस जो है वो, मैं इंडियन कोचेस की बात कर रहा हूँ, इंडियन जो नीचे से ऊपर तक कोचेस क्या करते अपने कम ज्ञान बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, वो नितांत गलत है। वो उनको जज करना होगा कि उसके पास नेचुरल चीज़ क्या है, उसको अल्टर ना करें। तो राशिद खान इस ये ना उसने ये एग्जाम्पल दे दिया आप सब कोचेस के लिए, हर हम सब के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि गॉड से ऊपर कुछ नहीं है, उसके द्वारा जो प्रदत्त टैलेंट है उससे आप कोई मुकाबला नहीं कर सकते। आप कितनी मेहनत कर लो, आप कभी भी नेचुरल टैलेंटेड क्रिकेटर से अगर वो मेहनत करता है, आप उससे आगे नहीं आ सकते। I wish you all the very best. Take care.